हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट सर अनलिमिटेड स्टडीज़ जोन सभी बच्चों का स्वागत है तो गाइज लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं जिसमें हमने एक बताई थी रिवर्सिबल प्रोसेस एक हमने बताई थी इ प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा था आपने कि इक्लिविरियम ईच एंड एवरी केसेस पर मेनटेन रहता है और इ प्रोसेस में आपने देखा था कि स्टार्ट में और एंड में तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है मगर इन बिटवीन जो होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है ठीक है तो आज क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आप लोग हेडिंग बनाइए आज का टॉपिक है एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज ठीक है तो आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी एक्सचेंज तो एनर्जी एक्सचेंज ठीक है ना तो देखिए थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो दो प्रकार से एक्सचेंज की जाती है आई मीन टू से एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन टू वेज आइदर बाई हीट और वर्क मतलब कि मैंने पहले भी बताया था कि एक थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस में एनर्जी दो बेस से एक्सचेंज की जाती है या तो हीट से या तो वर्क से अब आप ये समझिए कि कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज होगा मगर वर्क एक्सचेंज नहीं होगा मतलब हीट का लेन देन तो होगा बट वर्क का लेन देन नहीं होगा ओके मतलब वर्क का लेन देन नहीं होगा ओके वर्क का लेन देन कब माना जाएगा बच्चों वर्क का लेन देन तब माना जाएगा जब डेल्टा भी होगा और यदि वर्क नहीं बढ़ रहा है या नहीं घट रहा है सो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो मतलब यदि वॉल्यूम चेंज जीरो है तो वर्क कितना होगा जीरो ओके तो एक सीन तो यह है दूसरा सीन यह है कि हीट के लेन देन ना हो मगर वर्क का लेन देन हो वर्क लेन देन हो मतलब मेरे कहने का मतलब कि हीट चेंज ना हो बट वर्क चेंज हो वर्क चेंज हो तो हीट चेंज ना हो मैंने कौन सी प्रोसेस बताई थी एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है उसमें हीट चेंज नहीं होती है तो मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बट वर्क का एक्सचेंज होगा दूसरा आपने देख लिया तीसरी प्रोसेस ये भी बन सकती है कि हीट का भी एक्सचेंज हो और वर्क का भी एक्सचेंज हो ये प्रोसेस बन सकती है ठीक है ना तो मतलब एनर्जी एक्सचेंज जो है तीन माध्यम से दो माध्यम से हो सकता है या तो हीट चेंज हो या तो वर्क चेंज हो ठीक so I mean है ना सो आई मीन टू से एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन टू वेज आइदर बाय हीट और वर्क अब चलिए हम पूरा पूरा फोकस अपना हीट पे करते हैं और जानते हैं हीट क्या है वॉट इज हीट ओके तो अब हम पढ़ने वाले हैं हीट ओके सो हीट क्या है एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो एनर्जी जो होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज हो सकती है ओके ये देखिए ये मान लीजिए सिस्टम है और सिस्टम के चारों तरफ की बाउंड्री में ये क्या बैठा हुआ है सराउंडिंग तो थर्मोनाइनिमिक्स की भाषा में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है मतलब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर इसे हम क्या बोलेंगे हीट कहेंगे एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट अब हीट की एक जबरदस्त डेफिनेशन आप समझ लीजिए व्हाट इज़ हीट हीट इज ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज द ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली एग्जिस्ट तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा वेन देअर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अगर हीट जो होती है दैट इज ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी समझ गए ना ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर में चेंज है तो टेम्परेचर में चेंज के कारण एक एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर हो सके या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर ट्रांसफर हो सके उसको हम क्या बोलते हैं हीट बोलते हैं ठीक है ना हीट का सिंबल होता है क्यू होता है हीट का सिंबल क्या होता है क्यू और हम चेंज इन हीट के लिए यूज करते हैं हम डेल्टा क्यू यदि हम बात करेंगे चेंज इन हीट तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं डेल्टा क्यू अब डेल्टा क्यू क्यों यूज करते हैं मान लीजिए एक सिस्टम है एक सिस्टम है ओके तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ एलिमेंट रैंडमली मोशन कर रहे हैं बोलिए है सोनू तो भैया जब मोशन कर रहे हैं मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा हीट एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है मगर काइनेटिक एनर्जी को भी हीट एनर्जी में मान लिया जाता है तो इसकी हीट मान लीजिए कितनी है क्यू है कितनी है Q1 अब ये सिस्टम ट्रांसफर हो करके दूसरे सिस्टम में आ गया है जिसमें मोशन बढ़ गई है या घट गई है तो ये एनर्जी क्या हो गई Q2 तो दोनों के बीच का चेंज हम लिखते हैं डेल्टा Q से क्या लिखते हैं डेल्टा Q से तो एक्चुअली हीट के बारे में यही बात करूंगा इसमें डेल्टा ही डिफाइन होता है है ना अगर आप एप्सल्यूट हीट की बात करो तो वो उस पर बात कर पाना बहुत कठिन है यदि आप बोलो कि इस सिस्टम की एनर्जी इतनी है इतनी है जैसे आप कहो कि इस क्यू इक्वल टू पंद्रह जूल तो सवाल है कि भैया आप जीरो कब ले रहे थे तो जीरो कब होगी हीट जीरो होती है हीट का जब जब टेम्परेचर कितना होता है जीरो कैल्विन टेम्परेचर कितना होता है जीरो कैलविन समझ में आ गया ना तो जीरो कैलविन से यदि आप स्टार्ट करोगे तो तो आप बता सकते हो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है मतलब फीलिंग वही वाली लाइए कि आपके मार्क्स कितने थे जीरो थे कितने थे जीरो से और अगर आपने जीरो से पंद्रह नंबर लेकर के आ गए हो आज ठीक ना तो आपकी टोटल जो ए, आपके अंदर जो टोटल आपके मार्क्स कहे जाएंगे वो पंद्रह कहे जाएंगे मतलब हीट की फॉर्म में उस बॉडी की हीट क्या कही जाएगी पंद्रह कही जाएगी बट ऑलरेडी पंद्रह थी बोलो हाँ ना और पंद्रह थी और फिर भी अभी भी पंद्रह बनी हुई है तो हीट का चेंज कितना है जीरो है कितना है जीरो है, जीरो है। या पंद्रह से लेकर के पच्चीस तक की चेंज हो गया हीट का तो कितना हीट का चेंज कितना काउंट होगा प्लस टेन कितना होगा प्लस टेन काउंट होगा समझ गए जी क्लियर हो गया जब भी डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हीट गेन हुई है क्या हुई है, बेटा? गें, हीट गें। और अभी क्यू होता है तो इसका मतलब होता है हीट लॉस क्या होता है हीट लॉस अच्छे समझ लीजिएगा डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब हीट गेन और डेल्टा क्यू निगेटिव मतलब हीट लॉस ठीक है ना और टेम्परेचर जब भी चेंज होगा उसी वहीं पर हीट का ट्रांसफॉर्म होगा समझ गए ना तो हीट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इसका सिंबल क्यू है यूनिट की बात करूं करती है जूल क्या होती है बेटा बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसकी यूनिट होती है जूल मगर बेटा जो हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट या कॉमन यूनिट यूज करते हैं ओके तो हम लोग हीट की जो यूनिट यूज करेंगे वो होगी बेटा कैलरी क्या यूज होगी कैलोरी को ओके तो कॉमन यूनिट कैलोरी होती है इसको सी एल से लिखा जाता है इसका फुल नाम है सी ए एल ओ आर आई ई कैलोरी होती है मगर हम लोग इसको लिखते हैं कैलोरी सी ए एल ओके अब याद रखिएगा कि जो कैलोरी होती है बेटा वो जूल से ज्यादा होती है क्या होती है जूल से ज्यादा जैसे वन किलोग्राम एक ग्राम से ज्यादा होता है समझ गए ना तो ऐसे ही एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बेटा एक कैलोरी में 4.182 जूल हुआ करते हैं एक कैलोरी में 4.182 जूल तो बताइए कौन ज्यादा हुआ कैलोरी ज़्यादा हुई ना क्योंकि भाई एक कैलोरी में सवा चार जूल है लगभग है ना फोर से ज्यादा जूल है तो कैलोरी बड़ी हुई ये तो अब अब आप बोलोगे मतलब कि कैलोरी इक्वल टू जूल जूल या जूल। ठीक है ना तो कैलोरी भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है तो ये फोर पॉइंट वन एट क्या कहलाता है ये कहलाता है कन्वर्जन कोफिशियंट क्या कहलाता है बेटा Convergent. हाँ कन्वर्जन कोफिशियंट ये कुछ चीजें होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं है ना यूनिट दोनों एन, एनर्जी है एनर्जी है दोनों एनर्जी को एनर्जी में बदलेगा कौन कन्वर्जन कोफिशियंट वन सॉरी फोर जूल समझ में आ गया फोर जूल ठीक है ना सो so, uh, <coughs> ये हो गया 4.18 जूल है ना सो वन कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल नोट अब क्या नोट लिखना है नोट क्या है समझने वाली बात क्या है इफ टू बॉडीज आर एट टेम्परेचर सेम टेम्परेचर देन एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर बिटवीन देम बाई हीट अगर दो बॉडी जिनके टेम्परेचर सेम है इसका भी टेम्परेचर टी है और इस बॉडी का भी टेम्परेचर क्या है टी है तो इनके बीच में हीट के माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा मतलब यदि सेम टेम्परेचर पे हैं तो आप भूल जाइए इनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा समझ में आ गया मतलब वेन अगर आप यदि बात की जाए कि डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो है डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो है ओके okay, तो आप सोचें कि डेल्टा क्यू एग्जिस्ट कर पाएगा क्या डेल्टा क्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा मतलब इनके बीच में ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा क्लियर हो गया है ना सो वेन द टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर देन एनर्जी कैन बी कैन नॉट बी ट्रांसफर बिटवीन देम बाई हीट और यही अपना फंडा सिस्टम और सराउंडिंग पे लगेगा कि अगर दोनों के टेम्परेचर सेम है तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा समझ में आ गया ना हीट का ट्रांसफर नहीं होगा यहां पे है ना तो एनर्जी के ट्रांसफर होगा अगर हीट के माध्यम से नहीं होगा फिर वहां पे कौन खेलेगा वर्क खेलेगा कौन खेलेगा वर्क खेलेगा समझ में आ गया ना मतलब टोटल एनर्जी मैंने दो पार्ट में बताया था कि एक तो हीट के फॉर्म में और दूसरा किसके फॉर्म में वर्क के फॉर्म में तो हीट की लाइफ लाइन यहां पर गई यहां पर हीट नहीं खेल सकती है फिर कौन खेलेगा भाई साहब यहां पर वर्क खेल सकेगा समझ में आ गया ना तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं बोलिए डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी मतलब होता है उस सबस्टांस का मास ग्राम में ऐसा होती है इसकी स्पेसिफिक हीट है ना और ये ये होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर समझ गए ना तो ये है अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट तो ध्यान से देखिए अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा समझ में आ गया ना मतलब हीट का लेन देन सीधे सीधे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी समझ में आ गया ठीक है ना तो यदि एस की वैल्यू आप निकालें तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए यहां से डेल्टा क्यू के अपॉन में कितना आएगा एम और नीचे क्या जाएगा डेल्टा टी तो एस को बोलते हैं हम लोग ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं हां ग्राम, हाँ, ग्राम स्पेसिफिक हीट ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है जी को क्या बोलते हैं हम लोग ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक ना अभी आएंगे बहुत सारी चीजें चलिए अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट एक और नोटेशन में बता दूं कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव और डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होता है हालांकि मैंने बता दिया है बट फिर भी बता देता हूं उस नोटेशन को आप लोग याद कर लेंगे नोट कर लेंगे तो नोटेशन है भाई साहब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा मैंने बताया था वेन हीट इज गिवेन टू द सिस्टम हीट इज गिवेन सॉरी हीट इज गिवेन टू द सिस्टम समझ रहे हैं आप लोग अगर हीट सिस्टम को दी जाएगी तो डेल्टा क्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा अगर हीट सिस्टम लेगा तो डेल्टा क्यों क्या होगा पॉजिटिव होगा नहीं हीट सिस्टम लेगा मैंने कहा है सिस्टम लेगा हीट इज गिवन टू दिस्टम सिस्टम देगा नहीं सिस्टम लेगा समझ गए ना तो मतलब सिस्टम एनर्जाइज हो रहा है सिस्टम क्या हो रहा है एनर्जाइज अगर डेल्टा क्यू निगेटिव की बात की जाए तो डेल्टा क्यू निगेटिव कब होगा वन हीट इज गिवन बाई द सिस्टम और सिस्टम किसको देगा भैया सराउंडिंग को है ना वेन हीट इज गिवेन बाई द सिस्टम समझ में आ गई बात जी तो वेन द हीट इज गिवेन बाई द सिस्टम तो दैट टाइम डेल्टा क्यों क्या होगा निगेटिव होगा डेल्टा क्यों क्या होगा निगेटिव ठंडियों हो का सीजन चल रहा है ये आप है और ये आपके बाहर का सराउंडिंग है ये आपके बाहर का क्या है सराउंडिंग है आप ज्यादा टेम्परेचर पर रहते हैं आपका टेम्परेचर हाई है ये yes सोनो no? आपकी बॉडी जो होती है वो सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा करती है बोले ये सोनो और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो एट डिग्री सेंटीग्रेड है आज का टेम्परेचर ये yes सोनो no? तो आप क्या करते हैं बेटा हीट रेडिएट करते हैं क्या करते हैं आप हीट रेडिएट करते हैं तो याद रखिएगा आपके शरीर से जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में जाती है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रेडिएशन के फॉर्म में क्योंकि हीट के ट्रेवल करने के कई तरीके होते हैं हीट के ट्रेवल करने के तरीके सबसे पहला है कंडक्शन क्या होता है कंडक्शन तब होता है जब बॉडी जुड़ी होती है लगातार समझ में आ गया ठीक है ना एक कंडक्शन होता है दूसरा होता है कन्वेक्शन दूसरा क्या होता है बेटा कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है क्या चाहिए होता है मीडियम चाहिए होता है तो बीच में मीडियम तो नहीं है एयर है हालांकि और तीसरा होता है भाई साहब रेडिएशन क्या होता है रेडिएशन तो ये प्रोसेस आपका शरीर में हुआ करती है आप रेडिएट करते हैं लगातार आपका शरीर से हीट निकलती है क्या निकलती है ही? हीट हीट निकलती है और हीट निकलेगी तो आपको ठंड लगेगी हीट निकलेगी तो आपको क्या लगेगी ठंड लगेगी समझ में आ गया तो आपके आपकी बॉडी को ठंड लग रही है इसका मतलब आपकी बॉडी से हीट निकल रही है आपकी बॉडी से हीट निकल रही है मतलब आपकी एनर्जी लॉस हो रही है आपकी एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है तो आपका डेल्टा क्यू क्या आएगा इस वक्त नेगेटिव आएगा क्या आएगा इस वक्त नेगेटिव आएगा और सराउंडिंग एनर्जी गेन कर रहा है और आप एनर्जी लॉस्ट कर रहे हो आप एनर्जी क्या कर रहे हो लॉस्ट कर रहे हो इसलिए आप कि हीट डेल्टा क्यों आपका नेगेटिव हो रहा है क्लियर है यस yes. तो एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको याद रहेगा कि कब हीट निकलती है कब हीट जाती है कब मिलती है चलिए अब आगे पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस ठीक है ना स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं तो दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट होती है एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट और एक होती है मोल स्पेसिफिक हीट है ना ये बढ़िया टॉपिक है बहुत तगड़ा टॉपिक है तो इसको आइए मजे के साथ पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस अब आप कहेंगे कि भाई साहब आप गैस की क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि यार पूरी थर्मोडाइनेमिक्स हमको गैस में लगानी है है ना बट फार्मूला में सब पे वैलिड होगा गैस पे भी वैलिड होगा सॉलिड पे भी वैलिड होगा और लिक्विड पे भी वैलिड होगा है ना बट नंबर ऑफ मोल की जब आप बात करोगे तो वो केवल किसके लिए यूज़ हो जाएगा गैस के लिए यूज़ हो जाएगा चलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अभी मैं आपको टॉपिक की शुरुआत करता हूँ यहाँ पर तो क्या है टॉपिक भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई साहब क्या बताया था मैंने आपको कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है एम एस डेल्टा टी ठीक है ना तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थी आप जरा सोचिए कि अगर यदि मैं एम को कर दूं वन ग्राम कितना कर दूं वन ग्राम और डेल्टा टी को कर दूं वन डिग्री सेल्सियस या वन केल्विन क्योंकि वन डिग्री सेल्सियस और वन केल्विन दोनों एक ही चीज होती है जितना डिफरेंस वन से, सेल्सियस में होता उतना कितने में होता वन कैलविन में है ना तो ले लूं तो उस समय क्या हो जाएगा देखिए डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा ये भी हो गया वन ये हो गया एस और ये भी हो गया वन मतलब कितना एस तो मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू तो कितना आ गया एस तो पलट करके लिख सकते हो एस इक्वल टू तो डेल्टा देल्ट। क्यू मतलब कि ग्राम स्पेसिफिक हीट किसी सबस्टैंस की वो वैल्यू है हीट की किसी सब्सटैंस की ग्राम स्पेसिफिक हीट वो वैल्यू है हीट की जो एक ग्राम का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से या वन कैलविन से चेंज करने के लिए जरूरी होती है समझ में आ गया मतलब भाई साहब ये कोई पानी की बूंद रखी है जिसका मास है वन ग्राम कितना रखा है वन ग्राम इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना है इसका टेम्परेचर है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस बोलो हाँ इसका टेम्परेचर थर्टी सेवन से बढ़ा करके आपको थर्टी एट डिग्री सेल्सियस लाना है बोलिए हाँ आपने यहाँ पे बर्नर लगाया पानी की बूंद को और गर्म करके शुरू करें गर्म करना और आपने हीट दी समझ गए ना तो याद इस स्पेसिफिक हीट इसके एक ग्राम को गर्म करने के लिए और एक डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया yes. वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट उस सबस्टांस की ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है ना और जो ज्यादा हीट लेगा समझ गए yes. मतलब एक ऐसी फीलिंग पकड़ो कि भैया एक सबस्टांस है जो एक सबस्ता है जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है जिसका टेम्परेचर भड़ाक से बढ़ जाता है सैतीस पे था समझ गए माचिस की तिल्ली दिखाई और अड़तीस पे आ गया माचिस की तिल्ली दिखाई छोटी सी और किस पे आ गया अड़तीस पे आ गया भाई तुम तो तुरंत गर्म हो गए मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है बहुत ही कम बहुत ही क्या है कम ये भाई साहब तुरंत भड़क जाता है मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है बहुत ही कम माचिस की तिल्ली में इसको कितनी हीट दी गई हम लोगों ने दस पंद्रह कैलोरी है ना अब दूसरा है आपने बड़े बड़े आग लगा दिए यहाँ पे खूब बड़े बड़े आपने जला दिए कोयले और फिर भी वो एक डिग्री से टेम्परेचर चेंज ना हो रहा मतलब एक डिग्री से टेम्परेचर चेंज होने के लिए बहुत हीट लेगा बहुत सारी हीट लेगा मतलब गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ली बोलो यस ऑनो तो मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है ज़्यादा है इसकी स्पेसिफिक क्या है आप वाटर की मैं बात करूं भाई साहब वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत तगड़ी है बहुत ज़्यादा है समझ गए ना वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है बहुत ज़्यादा है मैं बता दूँगा एट्टी किलो कैलोरी एट्टी किलो कैलोरी पर ग्राम एट्टी किलो कैलोरी पर ग्राम देख रहे हैं मतलब पानी की एक ग्राम गर्म होने के लिए कितनी एनर्जी लेगी एट्टी किलो कैलोरी समझ गए पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस क्योंकि यूनिट में नीचे पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी आता है आपने देख रखा है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी बोलिए हाँ ना तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा क्यू नो अपॉन एम अपॉन कितना डेल्टा टी तो ये क्या हो गया कैलोरी ये हो गया पर ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया तो ये देखिए भाई साहब एक ग्राम पानी का गर्म होने के लिए कितना कैलोरी लेता है पांच सौ अस्सी कैलोरी कितने कैलोरी? लिए एट्टी कैलोरी यह yes सोनो no? तो इसीलिए बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो अंगों की सिकाई के लिए पानी की बोतल का इस्तेमाल किया करते हैं यह नो ठीक है ना क्योंकि पानी जो होता है वो बहुत देर तक गर्म रहता है पानी जो होता है बहुत देर तक गर्म रहता है और बहुत देर में ठंडा होगा क्यों ठंडा होगा क्योंकि पानी ने कितनी एनर्जी ली है एट्टी किलो कैलोरी ये नो क्लियर हुआ ना जो बहुत देर में गुस्सा होता है वो बहुत देर में भैया ठंडा भी होता है जो तुरंत गुस्सा हो जाता है वो तुरंत ठंडा भी हो जाता है मगर जो बहुत देर में गुस्सा हुआ मतलब उसका क्रोध अलग ही लेवल का होगा क्योंकि जब बहुत देर में गुस्सा हुआ मतलब कोई ना कोई विशेष बात होगी समझ रहे हो मेरी फीलिंग है ना तो इसलिए 80 किलो कैलोरी जो है पानी की जो स्पेसिफिक हीट है भैया बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा आई बात समझ में ना तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर मैं वापस से आता हूं स्पेसिफिक हीट पर बेटा तो देखिए स्पेसिफिक हीट जो गैस के केस में बेटा सी यूज होती है क्या यूज होती है सी और सॉलिड के केस में एस यूज होती है क्या यूज होती है तो अब हम गैस सिस्टम की बात कर रहे हैं गैसियस सिस्टम की बात कर करें तो हम किस पे लोड होंगे पूरा पूरा सी पे तो आ जाते हैं भाई साहब ग्राम स्पेसिफिक हीट पे तो दो तरीके की स्पेसिफिक हीट मेरे को बतानी थी मैं इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा दूर चला गया था खैर वापस आता हूं तो स्पेसिफिक हीट दो प्रकार की एक सबसे पहली है बोलिए ग्राम स्पेसिफिक हीट कौन सी है ये ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है ना और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट कौन सी है मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट एक तो है ग्राम स्पेसिफिक हीट और एक है मोलर स्पेसिफिक हीट चलिए तो ग्राम स्पेसिफिक हीट पर हम आते हैं दोबारा तो ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होती है देखिए ग्राम स्पेसिफिक हीट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम है ना क्योंकि गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो गैस के लिए क्या यूज करोगे सी और यहां पे डेल्टा टी भी यूज करते हैं कुछ लोग डेल्टा थीटा भी यूज करते हैं मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा फिजिक्स में कहीं कहीं पे डेल्टा टी थी आता थीटा आता है मगर केमिस्ट्री में भाई साहब डेल्टा टी चलने दो बोलो ऐसा नो तो स्टार्ट करता हूं मैं इस फॉर्मूले को फिर से नीचे लेकर के आता हूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू तो एम सी डेल्टा टी तो यदि मैं सी को अलग करूं क्यों मेरे को डिफाइन करना है तो सी को यदि मैं डिफाइन करने के लिए अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी एम डेल्टा टी थी। ठीक है ना मतलब क्या बनेगा देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेंपरेचर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वन ग्राम बाई वन डिग्री सेल्सियस या वन डिग्री कैलविन ठीक है ना ये डेफिनेशन मैंने कैसे बनाई देखिए यहां से बना ली है भाई नीचे क्या है मास है ना है ना तो पर यूनिट मास और दूसरा क्या है पर डिग्री सेल्सियस या पर कैलविन चलो बना के दिखा देता हूं अगर आप मास को वन ग्राम ले लेते हैं इक्वल टू कितना वन ग्राम और टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं वन कैलवे ले लो भाई साहब या वन डिग्री सेल्सियस ले लो क्योंकि वन कैलवेन और वन डिग्री सेल्सियस का चेंज बराबर होता है समझ गए ना दोनों का जो चेंज होता है वो क्या होता है इक्वल होता है तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू और नीचे वन और ये भी कितना वन तो यूनिट वाइज लिख देता हूं डेल्टा क्यू सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू क्लियर हो गया ना मतलब इस ग्राम स्पेसिफिक हीट हीट की वो वैल्यू है ग्राम हीट हीट की वो वैल्यू है जो एक ग्राम मास का टेम्परेचर गैस के एक ग्राम मास का टेम्परेचर कितने से चेंज कर दे वन कैलविन से या वन डिग्री सेल्सियस से तो आई कैन से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई वन कैलविन और वन डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट है ना इट इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट आई टॉकिंग सी सी लेटर ग्राम स्पेसिफिक हीट चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती, होती, होती है बेटा सी वाटर इक्वल टू फोर पॉइंट टू जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती कितनी होती है फोर जूल फोर जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मतलब पानी के एक ग्राम को एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो कितनी होगी फोर पॉइंट टू जूल अब इसको कैलोरी में बदल देता हूं मैं भैया तो आपने पढ़ा था कि वन कैलोरी वन कैलोरी इक्वल टू कितना होता है बताइए फोर पॉइंट वन एट जूल ये सोनो सो सो वन जूल इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पॉइंट वन एट कैलोरी ओके तो इसको मैंने शायद 80 किलो कैलोरी बता दिया था वो मैंने गलत बता दिया था ओके उसको चेंज कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप यदि इसको कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो 4.2 डिवाइडेड बाई 4.18, पॉइंट वन बिकॉज आप जूल को कैलोरी में ले जा रहे हैं तो कम हो जाएगा ओके कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मैंने जो अमाउंट बताई है मैंने वन के की बताई है कितने की बताई है वन के जी की कितने की बताई है वन के जी की ठीक है ना चलिए इसको मैं कन्वर्ट भी कर देता हूँ फोर पॉइंट बयालीस सौ कैलोरी ठीक है मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ देखिए हाँ जी तो ये आपकी होगी इसको डिवाइड कर लीजिए आप तो आई थिंक वन पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आएगा क्योंकि ऊपर फोर पॉइंट टू है और नीचे फोर पॉइंट वन एट है और यदि आप हाँ चलो बहुत बढ़िया कुछ अच्छा होने वाला है फोर पॉइंट वन एट को यदि फोर पॉइंट टू में राउंड ऑफ़ कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वन वन के बाद एट है जो कि बड़ा है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये लो भाई साहब वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मतलब कि जो पानी की स्पेसिफिक हीट है सी वाटर सी वाटर इक्वल टू वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इतना अच्छा फिगर है भाई साहब मतलब पानी के एक ग्राम को एक डिग्री से बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वन कैलोरी ठीक है वन कैलोरी ठीक है ना अब देखिए इसको यदि आप आ, उसमें बदल लें वन थाउजेंड का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो मज़ा आने वाला है ऊपर भी वन थाउजेंड कैलोरी और नीचे 1000 ग्राम क्या किया आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इन टू सॉरी ग्राम और डिग्री सेल्सियस ठीक है ना ऊपर भी थाउजेंड का मल्टीप्लाई उतर नीचे भी थाउजेंड का मल्टीप्लाई भाई वन थाउजेंड कैलोरी और वन थाउजेंड ग्राम मतलब एक किलोग्राम कितने किलोग्राम एक किलोग्राम मतलब कि थाउजेंट कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस मजा आ गया भाई मतलब पानी के एक के को अगर आपको टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है कितने से वन डिग्री सेल्सियस तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी थाउजेंड कैलोरी क्या बोली देनी पड़ेगी थाउजेंड कैलोरी और इसी को बोलते हैं थाउजेंड किलो है तो थाउजेंड कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है ना hmm. बोलिए आगे जी समझ में सो so, थाउजेंड कैलोरी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट है याद रखिएगा पानी की स्पेसिफिक हीट सी वाटर तो यूनिट में थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने दीजिए वाटर इज इक्वल टू वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यदि इसकी हम बात करें किलोग्राम में सो थाउजेंड कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस थाउजेंड किलोग्राम कैलोरी को हम वन किलो कैलोरी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वन किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है ना ठीक है ना तो एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चलिए कि कहीं दिक्कत ना हो आपको एग्जाम में कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये क्या हो गया ओके और एक और चीज बात भाई साहब यदि आप 1000 है और एक कैलोरी को आप यदि 4.2 जूल लिख रहे हो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि 4.18 को 4.2 पॉइंट टू लिखना भी लिखा भी जाता है कई जगह so सो अपॉन किलोग्राम और फिर डिग्री सेल्सियस बोलिए सोनो तो भाई कितना हो गया देखिए बयालीस सौ बन जाएगा कितना बन जाएगा ये बयालीस सौ फोर पॉइंट टू इंटू थाउजेंड करिए बच्चों तो यहाँ पे डेसिमल टूटेगा तो कितना हो जाएगा दस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो कितना आ गया बोलिए बयालीस सौ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस. मतलब एक किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए एक डिग्री सेल्सियस से आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बयालीस सौ जूल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी समझ में आ गया ना है ना मजी की बात भाई 4200 जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कैलोरी की बात की जाए वन किलोग्राम के लिए वन किलो कैलोरी है और अगर ग्राम के लिए बोली जाए तो कितना है वन कैलोरी ठीक है तो यहाँ याद रखिएगा मेरे से गलती हो गई इस चीज़ को मैं खारिज करता हूँ 80 किलो कैलोरी नहीं है यहाँ पे जो मैंने शायद बता दिया था कि वाटर की जो एनर्जी वो 80 किलो कैलोरी आई थिंक ये 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 जो 80 किलो कैलोरी होती ना उबालने के लिए टोटल एनर्जी लगती है इसको बॉइलिंग के लिए है ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ यहां पे ये बॉइलिंग के लिए होगी या जिसके लिए बॉइलिंग के लिए भाप बनाने के लिए होगी जो भी होगी ओके सो इसको भूल जाओ ठीक है ये वाला पार्ट भूल जाओ बस ये वाला पार्ट याद रखो तो समझ में आ गया आपको ना कुल मिला करके तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला देखा भाई हमने हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा क्या है ये ये है ग्राम स्पेसिफिक हीट यहां से निकलेगी C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T ठीक है जी तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगी ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या कहलाएगी ये ग्राम स्पेसिफिक हीट ये कहलाएगी ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है अब देखिए यदि मैं इसमें अलग अलग प्रोसेस लेके चलता हूं सबसे पहली मैं प्रोसेस लेके चलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस याद है आइसोथर्मल प्रोसेस सवाल आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट कितनी होती है भैया आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना जीरो तो आ जाओ भाई पुट कर दो डिस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन मास की जगह मास है और डेल्टा टी कितना हो गया और समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है इनफाइनाइट होता है कितना होता है इनफाइनाइट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस कोई भी हो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी ज़ीरो तो एक हम थोड़ा सा ऐसा बना सकते हैं याद करने के लिए सी आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी इनफाइनाइट कितनी होगी इनफाइनाइट क्या ये समझ में आया कि नहीं आया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पर टेम्परेचर आप चेंज जीरो रख दीजिए क्योंकि फार्मूला ये होता है ऊपर देखिए ऊपर फार्मूला लिखा है टेम्परेचर चीज आपने जीरो रख दिया और जिसके नीचे जीरो आएगा वो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट कितना हो जाएगा इनफाइनाइट तो आइसोथर्मल की जो स्पेसिफिक हीट होती है सी आइसोथर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है आइसोथर्मल की क्या हुआ करती है इनफाइनाइट होगी भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाँ ठीक है आइसोथर्मल की इन्फानाइट होगी चलिए नेक्स्ट देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की एडियाबैटिक प्रोसेस देखो एक चीज समझो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। मतलब कोई आपके पास सबस्टांस है ये कोई लिक्विड की एक बूंद है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है बोलिए सोनू और इसका टेम्परेचर बाद में भी 37 डिग्री सेल्सियस है बोलिए सोनू अब आप इसको हीट दिए जा रहे हो हीट जा रहे हो भाई कितनी हीट दोगे इन्फाइट हीट दोगे ना क्योंकि ये टेम्परेचर खाए जा रहा है गर्म ना हो रहा बिल्कुल ठीक है ना तो ये जो है आइसोथर्मल जो होगा इसमें भैया इन्फिनिटी होगा पेन देना भाई साहब ठीक है ना तो चलिए अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट अगली प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस में फिर से देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना होता है जीरो हीट चेंज कितनी होती है जीरो और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सी इक्वल टू कितना है बोलिए डेल्टा क्यू अपॉन एम और डेल्टा टी तो डेल्टा क्यू को ऊपर जीरो पुट कर दो तो एम डेल्टा टी जो भी बना रहे उससे कोई मतलब नहीं है वी डोंट केयर आंसर सी इक्वल टू कितना हो गया है जीरो मतलब एडियाबेटिक की जो आपके पास में स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है जीरो है ओके एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट जो होगी वो कितनी होगी जीरो सो आई कैन राइट सी इक्वल टू जीरो तो एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि स्पेसिफिक हीट कहां से कहां लाई करती है तो स्पेसिफिक हीट सी की जो रेंज है मिनिमम कितनी जीरो और मैक्सिमम कितनी इन्फिनिटी मतलब स्पेसिफिक हीट जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी कुछ हो सकती है ओके द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो टू इन्फिनी ओके द स्पेसिफिक बिटवीन जीरो टू इन्फाइट ओके जीरो टू इन्फाइट के बीच में ये कहीं भी हो सकती है क्लियर हो गया अब स्पेसिफिक हीट के मैं दो अलग अलग आपको जबरदस्त तरीके बता रहा हूं आपको स्पेसिफिक हीट के मैं आपको दो अलग अलग अभी तो अपन ने क्या पढ़ी देखी अभी अपन ने पढ़ी है कि एक ग्राम की स्पेसिफिक हीट है ना तो एम ग्राम की स्पेसिफिक हीट इतनी होगी ठीक है एम ग्राम की स्पेसिफिक हीट इतनी होगी ये मैंने आपको बताया है अब स्पेसिफिक हीट के दो अलग अलग तरीके हैं टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट हेडिंग बनाते हैं टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट भैया ये बहुत काम की चीज़ है जो मैं आपको अब बता रहा हूं ये बहुत एग्जाम में आया है आपके टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट भाई टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट चीज़ों को गर्म आप दो तरीके से कर सकते हो ये कोई कोई लिक्विड बूंद है या कोई गैस है आप इसको गर्म दो तरीके से कर सकते हो एक टाइप ऑफ एट स्पेसिफिकट वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये देखिए मैं किसके टाइप पढ़ा रहा हूं आपको स्पेसिफिकट के सी किस के किसके टाइप पढ़ा रहा हूं सी किस के किसके टाइप पढ़ा रहा हूं सी के है ना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बिल्कुल सही अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप स्पेसिफिक हीट को पढ़ते हैं बच्चों तो इसका सिंबल है सी वी क्या सिंबल है सी वी और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप स्पेसिफिक हीट को पढ़ते हैं तो इसका सिंबल है सी पी क्या सिंबल है सी पी ठीक है ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसका सिंबल है सी वी और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पर इसका सिंबल है सीपी तो मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की डिटेल में लिखता हूं देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा बोलिए सी वी अब याद स्पेसिफिक हीट जो है अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में लिख रहे हो तो स्मॉल कर देना क्या कर देना भाई स्मॉल स्मॉल सी भी इक्वल टू बोलिए क्यू है ना वेदर यहाँ पे डेल्टा क्यू आएगा क्यू नहीं आएगा डेल्टा क्यू अपॉन मास डेल्टा टी ठीक है ना क्लियर हो गया हाँ तो ये डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ठीक है ना तो यूनिट इसकी वही है इसकी एसआई SI यूनिट की बात की जाए तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एम यहाँ पे ग्राम में लेंगे याद रखिएगा इसकी यूनिट में लिख देता हूँ बोलिए एसआई यूनिट क्या है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है जी और इसकी डेफिनेशन मैं डिफाइन कर दूं आपको इसके डेफिनेशन क्या होगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम सबस्टांस बाई वन डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे द अमाउंट द अमाउंट ऑफ हीट देखिए ये अमाउंट ऑफ हीट है ना the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance 1 gram substance by 1 degree celsius by 1 degree celsius or 1 kelvin or 1 kelvin at constant क्या एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमने सीवी पढ़ा ना हाँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है जी तो ये हो गया अपना सीवी ठीक ठीक है तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में आप स्मॉल सी यूज करते हैं एक थोड़ी सी चीज में बताना भूल गया था ग्राम स्पेसिफिक हीट में किसका यूज करते हैं जब तक आप एम की बात करोगे ग्राम के लिए तो आपको स्मॉल सी का यूज़ करना है ये स्मॉल सी होना चाहिए जितना भी ग्राम स्पेसिफिक हीट है है ना चाहे कोई भी हो जैसे ग्राम स्पेसिफिक हीट दो बताए थे मैंने स्पेसिफिक हीट के दो टाइप थे एक होता है स्मॉल सी ग्राम के लिए और मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए कैपिटल सी मोलर के लिए क्या यूज़ करेंगे कैपिटल सी तो मोलर के लिए कैपिटल सी यूज़ करिएगा और ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिए क्या यूज़ करिएगा स्मॉल सी तो हर जगह जो हमने यहाँ पर ग्राम स्पेसिफिक हीट निकाली यहाँ पर सब स्मॉल सी कर दीजिएगा ठीक ना सी वाटर भी हमने देख ली ये सब ग्राम स्पेसिफिक हीट है अभी हम एक मोल की देखेंगे तब वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगा एनीवे anyway, आ जाइए तो अब देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे लिखेंगे देखिए सीपी को सी पी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम ओके डेल्टा टी यूनिट क्या होगी वही क्यू फॉर जूल एम फॉर ग्राम और यहां पे पर डिग्री सेल्सियस या पर कैलिविन ठीक है ना तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बिल्कुल वैसे ही द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम सबस्टांस बाई वन डिग्री सेल्सियस और वन कैलविन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यहां पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा यहां पे यहां पे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाएगा जब पी फॉर प्रेशर होता है तो यहां पे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाएगा और वी फॉर वॉल्यूम है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा ठीक है चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अगला टॉपिक है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी तक आपने क्या देखा था फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जो बच्चे समझ नहीं पाए हों हम आज पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं गैस के लिए ओके किसके लिए गैस के लिए अगर सॉलिड के लिए बात करोगे तो एस से डिनोट करेंगे बट हमारी थर्मोडाइनमिक्स चल रही है जो कि हम सिस्टम हमारा गैस यस होगा तो स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती हैं ओके एक होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट ग्राम स्पेसिफिक हीट तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल सी से किससे डिनोट करते हैं स्मॉल सी से अब हम डिनोट कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट जिसको आप किससे डिनोट करेंगे कैपिटल सी से किससे डिनोट करेंगे कैपिटल सी से तो देखा था आपने कि वहां पर क्या फॉर्मूला बना था ग्राम स्पेसिफिक हीट का डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम बोलिए सुनो यहाँ पे C स्मॉल C और यहाँ पे डेल्टा t तो यहां पे जो है जो स्मॉल C निकल के आएगा कितना निकलेगा भाई यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन m ओके एंड डेल्टा t डेल्टा Q अपॉन m और नीचे यहां पे क्या आएगा डेल्टा t अब ये देखिए ये क्या था ग्राम के लिए था किसके लिए था ये ग्राम के लिए था अब ये मोल के लिए अगला फॉर्मूला आपको बनाना है ठीक है ना ठीक है ना यदि मैं यहां पे कहूँ एक ग्राम के लिए तो आप m इक्वल टू वन पुट कर दीजिए वन ग्राम तो एक ग्राम के लिए हीट कितनी निकलेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वन की जगह वन हो गया यहाँ पे आ गया कितना c डेल्टा t ओके तो ऐसे ही यहां पर यदि मैं बोलूँ कि n मोल नंबर ऑफ मोल क्या है n n व्हाट इज n नंबर ऑफ मोल तो n मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी निकलेगी सॉरी जो हीट निकलेगी डेल्टा q इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा बहुत जोर से डेल्टा q इज इक्वल टू एम की जगह इस बार क्या आएगा बोलिए n क्या आएगा एन और स्मॉल सी नहीं आएगा क्या आएगा कैपिटल सी क्या आएगा कैपिटल सी एन सी डेल्टा टी तो यहां से c की वैल्यू निकालिए कैपिटल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा Q अपॉन एन और नीचे क्या आएगा डेल्टा T है ना और इसकी यूनिट क्या बन गई भाई साहब डेल्टा Q यानी कि हीट चेंज किस में नापा जाएगा जूल में नापा जाएगा n किस में जाएगा मोल में आएगा देखिए पिछले बार ग्राम में था और इस बार किसमें है मोल में और यह में आएगा डिग्री सेल्सियस तो भैया इसकी जो यूनिट बन गई है वो बन जाएगा है ना जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस क्लियर हो गया तो कैपिटल सी के फॉर्मूले आ गए ठीक है ना अब इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं क्या लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी डेफिनेशन देखिए सी इज इक्वल टू क्या बना है कैपिटल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन और यहां पे क्या बना है डेल्टा टी एन इक्वल टू ले लीजिए वन मोल इक्वल टू वन मोल और डेल्टा टी इक्वल टू कितना वन डिग्री सेल्सियस वन कैलविन ठीक है ना सो क्या बन जाएगा अपने पास सी इज इक्वल टू डेल्टा की ऊपर है और नीचे भी वन इधर भी वन और इधर भी वन फॉर्मूले से देखिए जनाब इधर भी वन और इधर भी वन तो क्या बन जाएगा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आ जाएगा सो वट इज सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अब बनेगा डेफिनेशन बस यस वोलर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सबस्टांस कितने मोल टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सबस्टांस विद हाउ मच डिग्री सेल्सियस वन डिग्री सेल्सियस और वन कैलवेन आई डिफाइन दूलर स्पेसिफिक और मूलर स्पेसिफिक हीट भी इसको कहते हैं इट इज दीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ वन मोल ऑफ गैस बाई वन डिग्री सेल्सियस ओके अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ गैस बाई वन डिग्री सेल्सियस ओके okay? इसमें भी इसके दो फंडे बनेंगे एक सीपी एक सीवी एक बनेगा सी कैपिटल वी और एक बनेगा सी कैपिटल पी ओके दोनों का फॉर्मूला सेम होगा बट एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा q अपॉन एन डेल्टा t और ये हो जाएगा अपने पास में क्या q अपॉन एन डेल्टा t बट फर्क रहेगा ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में ली जाएगी और ये वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर में ली जाएगी ओके okay? दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैपिटल सी का ध्यान रखिएगा दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है ना अब आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी ओके यस सॉरी रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट ठीक है ना तो देखिए भाई हम देख रहे हैं किसमें कैपिटल सी वी और स्मॉल सी वी में रिलेशन थोड़ा सा गलत बन गया स्मॉल सी वी में रिलेशन ठीक है कैपिटल सी वी और स्मॉल सी वी में रिलेशन तो देखिए याद रखिएगा कि इफ देखिए आप इसको ऐसे समझिए बहुत अच्छे समझिए देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट और आपका ये जो ग्राम स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है अभी आपने देखा जो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपने देखा देखिए डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट टेम्परेचर और इस आपने देखा है ये वाली जो स्पेसिफिक हीट है जिसको ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको सी स्मॉल सी से डिनोट करते हैं ये क्या है देखिए है अपने पास में डेल्टा क्यू पर यूनिट मास इनटू डेल्टा टी ठीक है ना अब थोड़ा सा डिफरेंस है आप देखिएगा इसको यदि मैं सी वी को यहां पे ओपन करूं तो मजा आने वाला भाई साहब ये देखिए कैपिटल सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल कितना होता है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल होता है इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास याद है भाई है ना केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल जो हुआ करता है वो क्या होता है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास उसी को मोलर मास बोलते हैं तो यहां पे मैं लिखता हूं गिवन मास यानी कि स्मॉल और मोलर मास क्या हो जाएगा भाई साहब कैपिटल एम इन कितना डेल्टा टी तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला नया बन जाएगा तो इज इक्वल टू कैपिटल सी वी कैपिटल सी वी इज इक्वल टू मोलर मास और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू और नीचे एम और ये क्या हो गया डेल्टा टी तो भाई जबरदस्त फॉर्मूला बन चुका है आप लोग के लिए मजा आने वाला है सी वी इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ये क्या है ये स्मॉल सी वी है हा या ना मतलब यदि आपको मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए है तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मोलर मास का किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास का तो हम फॉर्मूला यहां पे बना रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू है ना मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलर मास मोलर मास मल्टीप्लाई बाई ग्राम स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाई ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब कि कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू स्मॉल सी अब भैया यदि सी भी होते हैं सी भी का नोटेशन लगा दो कैपिटल एम इनटू सी भी कर दो अगर सॉरी सी का स्मॉल लगाना मत भूलना और सी पी की बात करोगे तो कैपिटल एम इंटू कितना सी पी बोलो आ गया समझ में ना तो एक जबरदस्त फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आइए कैसा क्वेश्चन आया हुआ आपको एग्जाम में मैं करवाता हूं क्वेश्चन एक आया हुआ है क्वेश्चन ने कहा है कि फॉर ओ यानी कि ऑक्सीजन मॉलिकुल के लिए देख ले भैया ओ है क्या है ऑक्सीजन मॉलिकूल के लिए दिया गया है कि स्मॉल सी जो एक्स है स्मॉल सी क्या है X है ओके स्मॉल सी वी जो है वो है X तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल सी भी क्या होगा अब जो लोग पढ़े थे स्मॉल सी वी और कैपिटल सी भी उनको पता चल गया अरे भैया सर जी ये तो पढ़ा रखा है आपने पढ़ाया था कि कैपिटल सी भी जो होता है वो होता है मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई स्मॉल सी वी तो ओ टू का मॉलिकुलर मास कितना होगा एक ऑक्सीजन सोलह का होता है तो दो ऑक्सीजन कितने को थर्टी टू तो थर्टी टू और मल्टीप्लाई बाई कितना सी वी सो आंसर विल बी थर्टी टू स्मॉल सी क्लियर हो गया थर्टी टू स्मॉल सी वी और स्मॉल सी वी कितना दिया है एक्स कितना दिया है एक्स तो आंसर हो गया थर्टी टू एक्स कितना है? है? तो देखिए यहां पे मैंने ये बताया है कि आपको जो कैपिटल सी होता है वो स्मॉल सी का एम टाइम्स होता है एम एम m मतलब मोलर मास मतलब यस एम मीन मोलर मास पिछले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन गैस के लिए है ना फॉर ऑक्सीजन गैस आपको दिया गया है इस ऑक्सीजन गैस के लिए स्मॉल सी भी जो है वो दिया गया है एक्स क्या दिया गया है एक्स और आपको कैपिटल सी find फाइंड करना है तो मैंने क्या बताया कैपिटल सी equal इज इक्वल टू होता है मोलर मास मल्टीप्लाई बाई स्मॉल सी वी ये सोनो ये देखिए कैपिटल सी इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई भी क्या स्मॉल सी ठीक है ना तो यहाँ पे कैपिटल सी इज इक्वल टू मोलर मास ऑक्सीजन तो का ऑक्सीजन yes, no. के एक मोलर मास क्या कहलाया जाएगा yeah. तो मोलर मास में बस क्या करना पड़ता है यहाँ पे ग्राम लगाना पड़ता है तो वो मोलर मास बन जाता है तो मोलर इक्वल टू हो गया थर्टी टू ग्राम ये सो नो तो यहाँ पे मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो थर्टी टू और मल्टीप्लाई कितना सीवी तो 32 और a स्मॉल cv की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में x तो आंसर कितना आ गया 32x कितना आ गया 32x तो जो कैपिटल cv आ चुका है ये हमारे पास 32x आ चुका है डन yes. तो इस तरीके से बच्चों हम निकाल सकते हैं है ना यस <coughs> yes. चलिए अगले रिलेशन की ओर चलते हैं जो बहुत काम का रिलेशन है आपका उस रिलेशन को आप लोग नोट कर लेंगे जो काफी बार एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है अगला रिलेशन आप याद कर लें फॉर एनी गैस रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी रिलेशन बिटवीन सी पी कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं कैपिटल की कैपिटल सी पी सी बी और सी वी की बात कर रहा हूं न फॉर एनी गैस बिटवीन रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी याद करेंगे इसको जोर से याद करेंगे इसका रिलेशन होता है फॉर एनी गैस दुनिया की कोई भी गैस हो उसके लिए सी और जो सी का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है आर होता है कितना होता है आर भाई सी क्या होती है सी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और सी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और ये कितना होता है भाई साहब आर होता है तो सी और सी का डिफरेंस कितना होता है आर होता है ठीक है ना चलिए आइए देखते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन लिख दू भाई साहब क्वेश्चन ये है हमारे पास मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारे पास की फॉर फॉर एन टू मतलब कि डायटोमिक नाइट्रोजन का मॉलिकुल है फॉर एन टू द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सी वी लियो भाई मजा आ गया स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सी वी क्या होगी स्मॉल सीपी और स्मॉल सी वी की वैल्यू क्या होगी देखिए बता रहा हूं कैपिटल के बारे में और पूछ रहा हूं किसके बारे में स्मॉल के बारे में तो शुरुआत कैपिटल से होगी चलिए तो हम क्या लिखेंगे हम का पता है यानी वी वी नो वी नो क्या पता है भाई साहब सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कितना होता है आर सी पी माइनस सीवी इक्वल टू कितना होता है आर और अभी आपने बताया था कि जो कैपिटल सी होता है वो मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई स्मॉल सी यस नो तो यदि यहाँ से मैं इसको पलट दूँ तो कैपिटल सी पी कितना हो जाएगा मॉलिकुलर मास एम मल्टीप्लाई बाई स्मॉल सी पी और ये कितना हो जाएगा मॉलिकुलर मास एम मल्टीप्लाई बाई स्मॉल सी वी इक्वल टू कितना आर मैं मॉलिकुलर मास कॉमन लेता हूँ अंदर बच गया कितना सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कितना भाई आर हो गया है अब मॉलिकुलर मास की रखने की जगह आ चुकी है या एक इससे बाद रख देते हैं तो अच्छा रहेगा तो सी पी स्मॉल माइनस सी वी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एम एम फॉर मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास की वैल्यू कितनी होती है एन टू एटम होता है 14 का, तो वैल्यू तो निकालूंगा सीपी स्मॉल चल रहा है स्मॉल सीवील टू आर बाई ट्वेंटी एट आपको दिलाएगा फुल मार्क्स करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका आर बाई ट्वेंटी एट क्लियर है चलिए तो ये तो हो गया है अब थोड़ी थोड़ी से जुड़ी हुई और हल्की फुल्की झलकियाँ मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी जो आपने फॉर्मूले देखे हैं अभी अभी तक आपने एक फॉर्मूला देखा है कि सी वी इज इक्वल टू कैपिटल सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी तो यहाँ से डेल्टा क्यू आएगा कितना आएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू सी वी एन सी वी डेल्टा टी कितना आएगा एन सी वी डेल्टा टी ये क्या है हीट एबजॉर्ब और रिलैक्सड ओ ओके ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यह अमाउंट ऑफ हीट है डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा मतलब एब्जॉर्ब और डेल्टा क्यू निगेटिव होगा मतलब रिलीज re है ना सो वट इज दिस अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ड और रिलीज ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस व्ही को देख करके पता करिएगा ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम समझ गए ना और किसके लिए एनमोल्स के लिए किसके लिए एनमोल्स के लिए ठीक है इसी तरीके से आपने देखा है कि सी पी जो होता है कैपिटल सी पी इज इक्वल टू होता है क्या डेल्टा क्यू अपॉन एन और डेल्टा टी तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी तो क्या बनेगी डेफिनेशन ये व्हाट इज इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ओके ये हो जाएगा ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर एन मोल के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो ये वैल्यू है हो गया? चलिए. अब हम अलग अलग फॉर्मूले देखते, देखते हैं चलिए तो नेक्स्ट अगला नोट लिखते हैं हम हाँ अगला हम नोट निकलेंगे क्या नोट लिखेंगे देखिए देखिए आपने देखा है जो कैपिटल सीपी और कैपिटल सी होता है वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है देखा था ना आपने कैपिटल सी पी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इन टू स्मॉल सी पी ये सोनू क्लियर है ना तो और तो जो सी पी और सी वी होता है सी पी और सी वी का आपने देखा था सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है ठीक ना तो सी पी इज इक्वल टू कितना हो गया आर प्लस सी वी सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी मतलब एक मन में बात बिठा लीजिए कि सीपी और सीवी कभी सिमिलर नहीं हो सकते हैं मतलब सी पी और सी भी कभी बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें आर का डिफरेंस है आर का क्या है डिफरेंस है और आर किसम एड हो रहा है सीवी में मतलब कौन बड़ा कौन हो बड़ा होगा सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी याद रखिएगा तो कभी पूछा जाए कि भाई सी पी और सी वी में कौन बड़ा होगा ओके तो याद रखेगा सीपी और सीबी में कौन बड़ा होगा सीपी बड़ा होगा कौन बड़ा होगा सीपी बड़ा होगा ओके अब मैं आपको एक नया टर्म एक चीज बताता हूँ जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे कुछ और फार्मूले आपको बनने वाले हैं यहाँ पे उन फार्मूलों को आपको याद करना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में ज़्यादा मैं फिजिक्स में बताऊँगा मगर जितनी जरूरत यहाँ पर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बता देता हूँ तो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम को बच्चों हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि एक जो गैस होती है गैस का मॉलिक्यूल होता है वो जितने रिलैक्स तरीके से डांस कर सकता है वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ऐसा समझ लो एक एक, एक ए, मतलब मॉलिक्यूल है वो जितने रिलैक्स तरीके से वो डांस कर सकता है उसको आप बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मैं बोल दूं हीलियम तो हीलियम का एक कैसा मॉलिक्यूल है हीलियम एक मोनाटोमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि हीलियम खुद में क्या है मॉलिक्यूल है तो हीलियम खुद में मॉलिक्यूल है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता होता है two, क्या होता है क्या तो भैया फुल तो हो गए पहले ही शेल में तो हीलियम के साथस तो कर तो के करे रोटेट करे या तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट या हीलियम जो है जेड एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करे समझ गए तो हीलियम के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है थ्री है कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं जिससे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता चल जाएगा यहां पर मैं लिखता हूं एटोमी सिटी क्या लिखता हूं एटोमी सिटी और यहां पर लिखता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है ना तो एटोमी सिटी एटोमी सिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का फॉर्मूला लिखता हूं स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं तो एटोमी सिटी में सबसे पहला है मोनो एटोमिक मोनो एटोमिक मतलब जो जिसमें केवल एक एटम है तो एक एटम किस में है भैया में है नियोन में है आर्गन में है ओके क्रिप्टान में है ओके तो ये मोनो एटॉमिक जो गैसेस हैं इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कर लीजिए थ्री है क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है दूसरी डाय एटोमिक डायटोमिक गैस मतलब कि एच टू एन टू ओ टू जिनके दो एटम हैं तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कर लीजिए पांच कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच और इसके बाद पॉली एटॉमिक पॉली एटॉमिक इससे ज़्यादा तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है छः है और कई केसेस होते हैं बट उनको अब फिजिक्स में डिस्कस करेंगे है ना लीनियर नॉन लीनियर मॉलिकुल वगैरह होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे बट मोटे तौर पे आप इसको याद रख लीजिए अब आइए एक नया फार्मूला फॉर्मूला आप मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत काम की चीज है ठीक है ना एक नया फार्मूला बता रहा हूँ सी और सी का फार्मूला सी पी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना तो नया फार्मूला मैं क्या चलाने वाला हूँ यहाँ पर मैं नया फार्मूला चलाने वाला हूँ बोलिए सी एंड सी है ना विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इनके जो फॉर्मूले आप पढ़ने वाले हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे तो बच्चों याद करिए सबसे पहला फॉर्मूला है सी वी क्या है फॉर्मूला सी वी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बोलिए एफ बाई टू इंटू आर एफ बाई टू इंटू आर समझ गए ना एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपॉन टू तो जानते हैं आर क्या होता है रडबर कॉन्स्टेंट आर क्या होता है रेड बर कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आता ही है ये ओके सो एफ बाई टू इंटू आर अब यहां से मैं सी पी का फॉर्मूला बना रहा हूं तो आप जानते हैं सी पी का फॉर्मूला कैसे बनेगा आपने अभी भी पढ़ा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कितना होता है आर तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस सी वी तो यहाँ से सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस सी वी सी वी की वैल्यू ये निकली ना तो सी वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ बोलिए एफ बाई टू इंटू कितना आर क्लियर है तो सी पी इज इक्वल टू आर कॉमन ले लीजिए आर ले लिया कितना कॉमन तो क्या बन गया वन प्लस एफ बाई टू तो जबरदस्त फॉर्मूला आपके सामने बन करके तैयार है भाई साहब सी पी इज इक्वल टू यहाँ पे आर है और यहाँ पे कितना एफ बाई टू सॉरी प्लस वन एफ बाई टू प्लस वन ठीक है ना इसको थोड़ा सही से लिख दूँ इस आर और यहाँ पे एफ बाई टू प्लस कितना वन ठीक है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू कितना और सी वी क्या पढ़ा आपने देखो भाई साहब सी वी इज इक्वल टू पढ़ा है सी वी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एफ बाई टू इन टू कितना इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि इसमें भैया अंदर प्लस वन एड हो जाता है क्या हो जाता है अंदर प्लस वन एड हो जाता है क्लियर है एनी प्रॉब्लम चलिए अब अगला टॉपिक आता है इसके बाद में इसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा है और वो आज की क्लास का होपफुली लास्ट टॉपिक है तो तो भाई अगला टॉपिक क्या है अगले टॉपिक की मैं हेडिंग बना रहा हूँ आपके सामने अगले टॉपिक की हेडिंग है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट जी हाँ अगले टॉपिक की हेडिंग है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये गामा क्या होता है तो बच्चे जवाब नहीं देते कि ये गामा होता क्या है बोलते हैं सर कुछ होता है कॉन्स्टेंट टाइप का बट इसका नाम हमें नहीं पता रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट हीट तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं गामा से एक्चुअली स्पेसिफिक हीट हमने मोलर स्पेसिफिक हीट दो टाइप की पढ़ी है एक पढ़ी है सी और एक पढ़ी है सी तो कुछ नहीं भैया सी और सी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है गामा होता है तो वट इज गामा गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी यस गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी वट इज गामा इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिल्कुल सही तो इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम टू टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर समझ गए ना ओ सॉरी ऊपर उल्टा कर दिया मैंने भाई साहब ऊपर होना था वॉल्यूम तो ऊपर होना था प्रेशर सी पी कॉन्सटेंट प्रेशर और नीचे होना था वॉल्यूम नीचे होना था आगे बात समझ में भाई तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अब आपको पता है कि भैया सी पी अपॉन सी वी अभी अभी मैंने पढ़ाया जो सी पी होता है वो होता है मॉलिकुलर मास इंटू स्मॉल सी पी याद है कुछ और ये भी सी वी होता है मॉलिकुलर मास इंटू स्मॉल सी वी तो मोलिकुलर मास से मोलिकुलर मास कैंसिल ये स्मॉल सी पी क्या होता है याद है कुछ ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये हाँ तो ये होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर और ये है ग्राम इस नहीं नहीं मोलर तो भाई कैपिटल सी होगा ये ग्राम ही चल रहा है स्मॉल सी ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी मतलब कैपिटल सी पी अपॉन कैपिटल सी वी जो होता है वो स्मॉल सी पी अपॉन स्मॉल सी वी के क्या होता है इक्वल होता है क्या होता है इसके इक्वल अब आज आपका जो काम है मैं आपको वो काम दे रहा हूँ क्या करके लाना है देखिए आपको आपको सी पी सी वी ओके सी पी सी वी और एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा जो उसके बाद मैं आपको काम दूंगा देखिए मैंने आपको सी वी का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने आपको सी वी का फॉर्मूला बताया सी वी इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया एफ बाई टू इन टू आर कितना बताया एफ बाई टू इंटू आर और मैंने सी पी आपको क्या बताया मैंने सी पी बताया एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर थोड़ा सा इसको ओपन कर दीजिए यहाँ से तो एफ बाई टू इंटू एफ बाई टू इंटू आर और प्लस कितना आर तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि एफ बाई टू इंटू आर कितना होता है सी वी होता है ये कितना होता है सी वी है देख लीजिए तो सी वी प्लस कितना आर तो मतलब यदि सीपी पता है तो सी भी प्लस सी भी पता है तो सी पी आपको पता चल सकता है और एक फार्मूला भी था यार आपको भूल गए हैं माइनस इक्वल टू आर होता है ना तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस ये। तो ये यही तो लिखा हुआ है है ना तो एक तो यह चीज हो चुकी है तो इन सब चीजों को और दूसरा मैंने फार्मूला क्या पता है गामा है ना रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है ना, सीवी। CB, ना? तो यह जो है आप इसके बारे में एक टेबल मुझे बना करके लाएंगे एज अ होमवर्क मैं टेबल का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ ठीक ना टेबल का मैं इंट्रोडक्शन आपके लिए कर देता हूँ देखिए सबसे पहले टेबल में आप बनाएंगे एफ एफ यानी कि डिग्री ऑफ़ फ्रीडम एफ यानी कि डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि तीन प्रकार की है एक है मोनो एटॉमिक एटोमिक मेनो की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है ना फिर उसके बाद है डायाटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है फाइव है और उसके बाद है पोली एटॉमिक पॉली एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है सिक्स है ठीक ना अब इसके बाद आप फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले सी का तो सी कितना होता है भाई एफ बाई टू इंटू ठीक है ना फिर इसके बाद सी बनाएंगे तो सी कितना होता है आप जानते हैं सी जो होता है वो होता है सी वी प्लस आर सी वी प्लस आर हाँ वो भी लिख सकते हैं एफ बाई टू अपॉन आर प्लस वन प्लस आर वो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उससे भी निकाल सकते हैं एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर ये ये से भी निकाल सकते हैं इसके बाद आप मुझे बताएंगे गामा की वैल्यू क्या है गामा यानी कि सीपी अपॉन सीवी ठीक है ना और इसके बाद आप वेरीफाई करेंगे क्या करेंगे वेरीफाई कि सीपी माइनस सीवी जो है वो आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है ना तो चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले सी सीवी की वैल्यू हां मोनोएटॉमिक देखिए 3 तो कितना हो गया 3/2 r टू टू तो ये हो गया कितना 3r/2 कितना हो गया थ्री बाई टू थ्री आर बाई टू अब यहां देखता हूं ये देखिए कितना हो जाएगा फाइव आर बाई टू ठीक ना और ये कितना हो जाएगा सिक्स आर बाई टू सिक्स आर बाई टू यानी कि थ्री आर क्योंकि टू से सिक्स कट गया तो ये कितना हो गया थ्री आर समझ रहे हैं ना आप तो ये बढ़ते जा रहा है नीचे नीचे क्या होता जा रहा है बढ़ते जा रहा है, है. देखिए तीन बाई मतलब डेढ़ वन होता है ये टू होता है ये क्या होता है थ्री होता है अब इसके बाद भाई इसमें आर एड कर दीजिए क्योंकि सी में आर एड कर देंगे सी में आर एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा तो आर एड करता हूँ तो देखिए पहले मैं एड करता हूँ तो देखिए मैं डायरेक्टली यहीं पर एड कर दूँ थ्री आर बाई टू प्लस आर तो टू इन टू आर कितना हो गया टू आर तीन और दो कितना हो गया पाँच आर फाइव आर बाई टू बोलिए हाँ ना ऐसे ही ये कितना हो जाएगा बोलिए सेवन आर बाई टू हो जाएगा ना ये टू इधर चला जाएगा भाई yes. वन के साथ ऐड होगा आर के साथ तो है ना और थ्री आर प्लस टू आर कितना हो जाएगा थ्री आर प्लस आर यानी फोर आर हो गया कितना हो गया जी ये हुआ कि नहीं हुआ ये कितना हो गया फोर आर ठीक है ना अब, अब 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 इसके बाद में अब इसके बाद में देखिए ये इसके बाद में देखिए सी पी बाई सी भी सी पी बाई CV. तो मेरे को इसको 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 मैं डिवाइड करता हूँ मोनोटॉमिक गैस का नहीं आएगा, आएगा। देख पा रहे हैं आप लोग कि फाइव बाई थ्री देखिए जरा करके देखना पड़ेगा भाई साहब सीपी बाई सी भी सीपी आगे है सी भी ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा फाइव आर बाई टू बोलिए हाँ और नीचे कितना आ जाएगा थ्री आर बाई टू तो आर बाई टू से आर बाई टू क्या हो गया Cancel. कितना बचा फाइव बाई थ्री यस तो कितना आ गया फाइव बाई थ्री इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स कितना आएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स तो एक महत्वपूर्ण बात है कि मोनो एटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो कितना होता है ठीक है ना इसके बाद डाई एटॉमिक गैस देखिए फाइव आर बाई टू सेवन आर बाई टू तो सेवन आर बाई टू ऊपर रहेगा फाइव आर बाई टू नीचे रहेगा तो आर बाई टू से आर बाई टू कैंसिल कितना आंसर आएगा सेवन बाई फाइव ठीक है ना सेवन बाई फाइव को डिवाइड करके कितना आएगा वन पॉइंट फोर वन पॉइंट और फिर इसके बाद 4R में आप 6 का डिवाइड करेंगे 4R में सॉरी 4R में 3R का 4R में 3R का तो R से R कैंसिल कितना हो जाएगा 4 बाय 3 कितना आ गया ये 1.333 बोलिए सोनू तो ध्यान से देखिए मोनो गैस का गामा आ रहा 1.66 डाय अटॉमिक गैस का गामा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.4 ओके और ट्राइटोमिक गैस का जो गामा आ रहा है पोलीअटोमिक गैस का जो गामा आ रहा है वो आ रहा है वन थी थी। मतलब सबसे ज़्यादा गामा किसका है मोनो का है किसका है मोनो का उसके बाद किसका है डाई का उसके बाद गामा किसका है पॉली का है समझ में आ गया ना कोई दिक्कत और बाकी इसके बाद आप इसको डिफरेंस कर लीजिए तो ये तो कुछ बड़ी बात है नहीं सी पी माइनस सी बी हमेशा आर आएगा आप करके देख लीजिए यदि इसमें से इसको माइनस कर देंगे सी बी में से सी बी का तो इसमें भी डिफरेंस कितना बनेगा इसमें भी कितना बनेगा आर इसमें भी कितना आ, बनेगा आर एवरी टाइम इट विल बी आर ठीक है ना तो ये रहा हमारा एक प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इसका आप लोग इसको करके लाएंगे कल बढ़िया से इसकी शीट बनाइए और देखिए खुद भी करके इसको देखेंगे लास्ट फार्मूला ऑफ गामा में डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में डिस्कस कर देता हूँ है ना एक फार्मूला आप गामा बता रहा हूं इन द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फार्मूला आप गामा होता है F. F. कैसे होता है ये भी ला देता हूं देखिए आपने देखा गामा इक्वल टू होता है सीपी बाई सी वी सी पी बाई सी वी और सीपी uh, का फार्मूला देखा आपने एफ बाई टू प्लस वन इन टू कितना आर हाँ. और सी वी का फार्मूला कितना होता है एफ बाई टू इन टू आर आर से आर कैंसिल ठीक है ना आर से आर कैंसिल हो चुका है है ना अब देखिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा सा मैथ्स लगेगी यहाँ पे तो अब अपने पास क्या बचा है एफ बाई टू प्लस वन एफ बाई टू प्लस कितना वन तो और एफ बाई टू दोनों के अपॉन में तो इसको भी कर दो एफ बाई टू और इसको भी कर दिया कितना एफ बाई टू तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल yes. और ये पल्टी मार देगा तो कैंसिल होने से क्या बचा वन वन प्लस और ये पल्टी मार दिया तो क्या हो गया टू अपॉन एफ समझ में आ गया ना तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन प्लस टू बाई एफ क्लियर हो गया अरे भाई ये एड नहीं होगा थ्री बाई एफ नहीं होगी ओनली यही रहेगी वन प्लस टू बाई एफ क्लियर है तो गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में कितनी होगी वन प्लस टू बाई एफ नोट कर लीजिए समझ में आ गया सो so गायज ये थी हमारी आज की थर्मोडायनेमिक्स की पूरी क्लास लेक्चर नंबर थ्री हमने कवर कर लिया है एंड आई होप इसको आप अच्छे से करिएगा बढ़िया से पढ़िएगा ठीक है ना थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड ऑन आपका दिन मंगलमय हो शुभ हो बढ़िया हो धन्यवाद